आज हम अपने दर्शकों को सूरजपुर जिला के बहुत ही प्राचीन पर्यटन स्थल सरासोर को दिखाने जा रहे हैं। बताया जाता है यह स्थान बहुत ही प्राचीन है, नदी के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है। एक समय था यहाँ पर हर वक्त पर्यटकों का आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे लोगों का आना जाना कम होते चला गया। कारण है मंदिर जर्जर स्थिति में है, नदी के मध्य में होने की वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। कोई पक्का मार्ग तक नहीं बना है, बांस और लकड़ी से रास्ते बना दिए गए हैं, उसी से होकर के लोग आना जाना करते हैं और यह रेलिंग भी अब टूटने के कगार पर है। पहले के समय में यहाँ दुकान भी लगते थे, मंदिर के पुजारियों को आने वाले दर्शनार्थियों के द्वारा चढ़ावा भी मिलता था, जिनसे उनकी जीवन यापन भी चलती थी। सूरजपुर जिला से हमारे संवाददाता वरिंदर सिंह सरासोर मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है वहाँ और अब समस्या क्या है कि पर्यटक बहुत कम आने लगे हैं। नमस्कार, मैं वरिंदर सिंह, सूरजपुर जिला के। आज हम खड़े हैं बटगांव क्षेत्र के बहुत ही पर्यटक स्थल में सरासोर, जिसको बोला जाता है। यहाँ मंदिर है और यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते थे। यहाँ पे पहले की अपेक्षा में बहुत ही कम लोगों का आना जाना है। इसका क्या कारण है, आज हमको यहाँ पे आए थे घूमने के लिए मिल गए हैं सोमिन घोष जी, मिल गए हैं युवा पत्रकार। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इसका क्या कारण है। पहले तो सभी दर्शकों को जय जोहर, नमस्कार। और मैं बहुत ही साधुवाद हूँ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस चैनल का, जो कि इस विषय को उन्होंने मतलब सामने लाने की कोशिश की। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे युवा रिपोर्टर वरिंदर सिंह जी को, हमारे युवा साथी हैं पत्रकार के। तो पहली बात तो वरिंदर जी, मैं ये बोलूँगा कि ये सरासोर मतलब बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्राचीन स्थान इसको कहेंगे। यहाँ पे शंकर जी की मंदिर है, तरह तरह के दो तीन मंदिर है, कैमरामैन दिखा रहे होंगे आपको। इसके बावजूद ये एक नदी के बीचों बीच बना हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण ये है, बाकी इनके इसका नाम काफी ऊंचाइयों तक है। इसके बावजूद लोगों का आज आवाजाही बिल्कुल कम हो चुका है। और लोगों का आवाजाही कम होने का कारण हम सब कुछ हद तक जान सकते हैं कि कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना को आए हुए आज 2 साल हो गए, उसके बावजूद गुजर चुका है वो जमाना, उसके बावजूद लोगों का आवाजाही कम होने का कारण समझ से परे है। मेरे को जहां तक समझ में आता है कि आज से 4-5 साल पहले यहां पे बहुत ही बड़ा और विशालकाय बाढ़ आया था जी। इस नदी, ये नदी उफान पे थी, जहां तक मेरी जानकारी ये सोन नदी इसको कहते हैं, और ये सोन नदी उस समय बहुत ही उफान में थी। और उस वक्त जब ये बाढ़ आया तो ये मंदिरों को अपने चपेट में ले लिया, जिसके कारण जगह जगह दरारें और ग्रिल तक टूट गए। कैमरामैन अगर दिखाना चाहेंगे तो देखिए कैसे बांस से सपोर्ट देके इसको रखे हुए, जिसके कारण जो भी दर्शनीय मेरे बंधु लोग हैं आने पे कतराते हैं। यहाँ पे लोग श्रद्धालु पहले के अपेक्षित आज के श्रद्धालु में काफी कमी आई है, जिसके कारण यहाँ के जो छोटे मोटे दुकान है, पंडित है, उनका गुजारा चलना तक मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ शासन की सरकार से, या कि इसको जल्द से जल्द व्यवस्थित किया जाए। लोगों का आवाजाही करने का रास्ता जो आज दुर्गम है, उसे थोड़ा सा और खुशनुमा किया जाए और इसको थोड़ा सा मतलब पर्यटक स्थल के नाम से इसको थोड़ा सा जगह को डेवलपमेंट देना चाहिए। जब तक क्षेत्र डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक श्रद्धालु आएंगे कैसे, ये तो आप जानते हैं। और चूंकि आज हम भी पहुंचे हैं या आप भी अभी आए होंगे, तो आपको पता ही आप कैसे करके आए हैं, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी होगी। चूंकि सरकार थोड़े थोड़े करके काम करिए, मैं चाहूंगा कि सरकार थोड़े थोड़े काम को ना करके थोड़े विशेष कामों पे ध्यान रखे, थोड़े कामों को तेज करे। मेरी जानकारी के हिसाब से सन 1957 में डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी हमारे जब मंत्री थे छत्तीसगढ़ शासन के, तो उनके द्वारा कमरों से जो है इसका शिलान्यास हुआ था। और कैमरामैन अगर दिखाना चाहेंगे तो यहाँ का एक बोर्ड में लिखा भी हुआ है, ये देखिए हमारे डॉक्टर प्रेम साय सिंह के द्वारा। तो अब चूंकि बना के मंत्री जी ने आज एक समय पे बना के छोड़ दिया है, उसी को मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे प्रशासन, लोकल प्रशासन ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे क्षेत्र में इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, प्रगति हो और लोगों का आवाजाही फिर से पुनः चालू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं क्षेत्र बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांतिप्रिय है, लोग आते हैं लेकिन आने से डरते हैं, जगह जगह डैमेज, जगह जगह टूट फूट, ठीक है। इस चीज को सुधारने का बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तो मेरी सरकार से दरख्वास्त